वेलकम गाइस, आज हमारा फर्स्ट फॉरेक्स कमेंट्री स्टार्ट हो रहा है फॉर दिस ईयर, बिकॉज नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है और कंसोलिडेशन फेज से हम बाहर भी आ चुके हैं। तो कल नेक्स्ट प्रीवियस डेज में हमने देखा है कि मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट दिया है फ्रॉम करंट मार्केट रेंज। तो आइए शुरू करते हैं अपना मार्केट कॉमेंट्री और एनालिसिस के साथ कि कब कौन सा पेयर कैसा रहने वाला है। तो पुनः लेट्स स्टार्ट अगेन स्टार्ट करते हैं विद डॉलर इंडेक्स। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फॉरेक्स, बहुत वेट करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं। डॉलर इंडेक्स वैसे भी कंसोलिडेशन फेज से निकल चुका है, तो हमें फेब से हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फॉर डॉलर इंडेक्स। एज अ मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो यस, आपको दिख रहा है कि ये पूरा अप क्लोज कैंडल है। ओके, एक सेकंड। प्रीवियस मंथ आपका जैन का कैंडल और फेब का कंटिन्यूसली आपको अप क्लोज कैंडल ही दिख रहा है। तो माइट भी यही जो आपका फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर आपका प्राइस इन फ्यूचर आए राइट, तो 100 ये 4.30 जो है नियरेस्ट लेवल है जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डॉलर इंडेक्स आया। 104.30 समथिंग अप्रोक्स है उस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है और प्राइस अभी कंटिन्यूस अप ट्रेंड में भी है, अप ट्रेंड में ही है। तो नियरेस्ट टू नियरेस्ट ऑन मंथली बेसिस वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस इस लेवल तक आए, बट हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हैं कि प्राइस प्रीवियस मंथ का हाई रेट कर चुका है, एक लिक्विडिटी रेट हो चुका है। तो पॉसिबिलिटी अब लोअर टाइम फ्रेम पे आकर के देखना होगा कि क्या प्राइस यहाँ से इंटरेस्टेड है डाउनसाइड जाने के लिए या कंटिन्यू अपसाइड कर या रहा है। अपसाइड जाने के लिए। तो ऐसे यहाँ अगर हम नेकेड चार्ट देखें तो डॉलर इंडेक्स क्लियर है, बट हमें डॉलर फैक्टर्स इंडेक्स थोड़ा सा कर क्लियर है लेना कि अपसाइड चाहिए जाना चाहिए। तो कमिंग डाउन टू लोअर वीकली, टाइम फ्रेम में आके। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये वाला कैंडल जो था प्रीवियस मंथ का हाई वो रेड हुआ है। प्रीवियस वीक का हाई हाँ, और यहाँ पर हम लोग साफ देख रहे हैं कि ये एक लिक्विडिटी पूल भी है। ओके, सो दिस वी आर नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हो सकता है। 104.40 अप्रोक्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये यहाँ पर आ रहा है तो हमारे सारे मेजर पेयर्स कहाँ जाएंगे? मेजर प्लेयर्स हमारे डाउनसाइड जाएंगे। तो ये जो है ना, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला लेवल है जहां से प्राइस रीच करके रिवर्स कर जाए फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी तो हमें डॉलर इंडेक्स में फॉर नाउ ब्राउन लिक्विडिटी टारगेट करना चाहिए, फिर रिवर्सल आता है कि नहीं आता है डेट टाइम हमें चेक करना बाद की होगा। बात, वो तो फिर नेक्स्ट बात पता चलेगा। यस, लेकिन प्राइमरी अभी हम लोगों को अपसाइड ही टारगेट करना चाहिए, है ना? कमिंग ऑर्डर डाउन फ्लो हमारा डॉलर बुलिश, में बुलिश ही है, सेम चीज है और जो मतलब। मैं आपको तो बोल रही थी ना हाँ, कंसोलिडेशन फेज, ये वाला जो कंसोलिडेशन फेज था ना, सबसे ज्यादा ही इतना मतलब गंदा था कि स्ट्रक इन अ मड बोल सकते हो कि यस। कितने दिन से हो रहा था आपका? वेनेस 17 जैन से, ऑब्वियसली इवन उससे भी सेवनटीन जैन पहले से था, दिन देखो का ना, सिर्फ दिन 2 दिन का रैली आया, 3 डेज का, फिर उससे भी पहले पूरा का पूरा ये कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन अगेन। ये आपका जैन का स्टार्टिंग का फेज है, ये मिड जैन का है पूरा। यस, ओके, तो कंसोलिडेशन फेज जब भी होता है गाइस, आप लोग अवॉइड करें ट्रेड करना। हाँ, आपको ट्रेड करना है बैक एंड फोर्थ आता है तो गुड, अदरवाइज अवॉइड करें। तो अभी के लिए बायस मेरा बुलिश ही है और हम नहीं चाहते कि प्राइस हम लोग का इस लेवल के नीचे भी आए। मतलब ये जो लेवल है 102.77, अगर राउंड ऑफ करें तो 0.80 के लेवल 80 नीचे नहीं आना चाहिए और प्राइस अभी कंटिन्यू अपसाइड ही जाना चाहिए, है ना? तो स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी और फ्रैक्टल थोड़ा सा कर लेते हैं माइट भी, कि हमें से। एंट्री कहाँ मिल सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, तो देखो अगर हमें इस चीज को टारगेट करना है ड्रॉन लिक्विडिटी को, देन वी हैव टू लुक कि ये क्या ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, बट आई डोंट थिंक सो कि पूना में इस चीज को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ, कि ये कोई भी इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी को रीबैलेंस नहीं किया है या कोई भी लिक्विडिटी रेट नहीं हुआ है। बट फ्राइडे का अप क्लोज कैंडल जो था इतना ज्यादा शार्प रन था, इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए फॉर मंडे, तभी टारगेट हो सकता है। वो तो चीज ठीक है, लेकिन हम लोग एंट्री के बारे में अगर बात करें, एंट्री हम लोग लेंगे कहाँ पे और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, मेरा मेन पॉइंट ये है। एंट्री हम ले सकते हैं, ठीक है, अगर हम हमें ये एंट्री देखो लेना ये है तो चीज ऑन द पता है कि ब्रेक हमें टारगेट ये करना है 104, ये जो हमारा मंथली का ड्रॉन लिक्विडिटी है। ड्रॉन लिक्विडिटी है। ओके, दिस लेवल वी नो कि हमें ये चीज टारगेट करना है, बट अब फ्रेमवर्क किस तरह से करें कि हम स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं और एंट्री क्या है, दैट इज द या मोस्ट फ्रैक्टल करते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम में आते हैं। इम्पोर्टेंट। ये वाला पूरा का पूरा फेज आपको एक्सपेंशन दिख रहा है, राइट?
तो जब भी एक्सपेंशन होता है तो थोड़ा सा वेट कर ले फॉर करेक्शन, जैसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, तो माइट बी ब्रेकर के बेसिस पे आपको एंट्री मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं 103.60 के नियर बाय, अगर मिल जाता है तो। और स्टॉप लॉस आप डाउन साइड लगा सकते हैं, और टारगेट आप ब्रॉन लिक्विडिटी कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये वाला जो चीज है ना, ये पूरा पूरा ना बैलेंस प्राइस रेंज में को नजर आ रहा है, ठीक है। और बैलेंस हो एट चुका है। आवर्स के, हाँ 8 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखो तो ये एरिया पूरा बैलेंस प्राइस रेंज है, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इसके नीचे भी, मतलब इस एरिया के नीचे जाए। तो जैसे तुम बोली अभी की एज अ ब्रेकर हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ब्रेकर, हाँ ब्रेकर के बेस पे हम लोग इस एरिया पे कहीं पे भी एंट्री ले हाँ, तो सकते वही कह रही, 103.60 के नियर बाय थोड़ा हैं। सा मिल जाता है एंट्री, हाँ तो आप देख सकते हैं। तो अब मार्केट जैसे स्टार्ट होगी, मंडे को ओपनिंग होगी, उसके बाद देखना है कि क्या ड्रॉन लिक्विडिटी को ही सीधा टारगेट कर रहा है, या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी मिल रहा है। अगर रिट्रेसमेंट मिल जाता है डॉलर इंडेक्स में, तो वेल एंड गुड, आप देख सकते हो। यस ओके तो ये ही है अभी एज ऑफ नाउ वी आर बुलिश ऑन डॉलर इंडेक्स। अगर इसमें कुछ रिट्रेसमेंट मिलता है अप टू दिस लेवल बिलो दिस कैंडल, देन यहाँ पर हम लोग लॉन्ग ले सकते हैं बाय पुटिंग अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस येलो शेडेड एरिया। येलो शेडेड एरिया, या फिर आप सिंपली स्विंग लो पे भी लगा लो फॉर सेफर साइड। हाँ ये चीज हो सकता है। ओके एंट्री जस्ट बिलो दिस कैंडल 10.65 और टारगेट हमारा ये है। ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ऑफ है इस ट्रेड पे, बट यस अभी थोड़ा ऑफ पेयर देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो सेटअप और मिलेगा। फ्रैक्टल, अगर हाँ आपको सारा कुछ करना है तो और फ्रैक्टल करना पड़ेगा। यस वही चीज है मोनो कि हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस को ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइस लो ब्रेक करता है देन ऑटोमेटिकली ये येलो शेडेड एरिया तक आ सकता है। ओके यहाँ से फिर अगेन शायद ये अपसाइड रैली शुरू करें। चलो स्टार्ट करते हैं यूरोएसडी का, USD, राइट। स्टार्ट करते हैं मंथली से अगेन टॉप डाउन एनालिसिस। क्लियर, अगर हम मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें अभी भी ड्रॉन लिक्विडिटी USD में है, जो हम टारगेट कर सकते हैं दिस ओके लेवल अभी हम क्वाइट वन पॉइंट डीप जीरो लिए हैं। सेवन टू टू जीरो ये मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, जो क्लियर नेकेड चार्ट देखने पे समझ आ रहा है। अब फ्रैक्टल करना पड़ेगा, किस पॉइंट से रिवर्सल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा लिक्विडिटी रेट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है कि यार पर मंथली की प्राइस को इस पे वैल्यू गैप तक आना चाहिए, ओके। बट ऑब्वियसली प्राइस अभी इस पे वैल्यू गैप में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, शायद ये यहाँ से ऊपर चला जाए। बिकॉज डॉलर इंडेक्स भी अगर यहाँ तक आता है, अगर ये डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तो ऑब्वियसली फिर तुम्हारा यूरो भी यहीं तक पहुंचने वाला है इस पे वैल्यू गैप तक, ओके। तो पॉसिबिलिटी मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो आपको क्लियर यस दिखेगा। पॉसिबिलिटी है कि यूरो फिर यहाँ पर आ जाए कमिंग डाउन टू वीकली। अब वीकली में भी देखो वीकली में भी अगर थोड़ा सा हम इसको और फ्रैक्टल करके जो लिक्विडिटी है वो टारगेट कर सकते हैं नियर टू नियर। ये ना इस कैंडल का लो को हम लोग टारगेट कर सकते हैं कमिंग डाउन टू डेली। ज्यादा कुछ उतना है नहीं ऑब्वियसली कि अगर, हाँ देखो जब मेरा पॉइंट यही है कि ये पूरा एक स्विंग लो क्रिएट किया हुआ है, तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल, मतलब ये एक पोटेंशियल एरिया हो सकता है जो प्राइस जिसको टारगेट करेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली यूरो शुड मूव डाउन। यूरो बी डाउन। यस ठीक है तो ये यहाँ तक टारगेट होना चाहिए, ठीक है इट्स क्लियर। और फ्रैक्टल करना है इसको, ओके थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है। फोर आवर या डेली हाँ में, तो डेली अब में तो देखो, है, हाँ 4 आवर में देख लेते हैं। तो अब देखो ये अगर ये नीचे ड्रॉ जा रहा है देन आई थिंक ऑब्वियसली इसमें लिक्विडिटी रेड हो चुका है, और इसका अगर रिट्रेसमेंट जस्ट लाइक सेम डॉलर इंडेक्स की तरह, ठीक है, अगर हमें एंट्री इस कैंडल के अबव मिलती है देन वी कैन गो शॉर्ट एंड टारगेट दिस लो, राइट, है ना। बट जो अभी फॉर नियर दिस वीक का टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। हाँ इस वीक का जो टारगेट था वो तो अचीव हो गया, बट एज ऑफ नाउ दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर नेक्स्ट वीक जब मार्केट ओपन होती है इफ वी गेट एन एंट्री जस्ट अबव दिस कैंडल वी कैन टेक एन एंट्री फॉर शॉर्ट एंड हम लोग ये चीज टारगेट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट वीक, दिस वीक सॉरी, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली ये यहीं पे टारगेट कर देगा, माइट भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना चाहिए। हाँ पॉसिबिलिटी है कि ये डायरेक्ट रन भी दे दे, मतलब सैटरडे संडे अब क्या हो क्या नहीं, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं तो ड्यू टू विच हम लोग कभी कभी बहुत ही स्पीड में देखते भी हैं कि मार्केट उसी डायरेक्शन में चला गया। बट यस अगर मार्केट नॉर्मली ओपन होती है और वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन देके प्रोट्रैक्शन मूव देता है देन ऑब्वियसली वहां से प्राइस को फॉल आना चाहिए फॉर डाउन साइड एंड टारगेट दिस लेवल।
अगर डॉलर इंडेक्स वहां से कंटिन्यू अप जाता है तो इजी है, अच्छा सेटअप्स, नथिंग मच ऑन लोअर टाइम पे। शॉर्टर टाइम फ्रेम में कुछ खास है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है ये पूरा का पूरा राइट फेज। राइट, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज में ही है, ठीक है। इवन ये और थोड़ा एक्सपेक्ट हो करके होना चाहिए अपसाइड के लिए, पर देन ऑब्वियसली डाउन। जीबीबी जीपीएसजी देख लेते हैं। जीपीएसजी लास्ट वीक यूरो यूएसडी पे ही फोकस था, जीपीएसजी पे नहीं था कैसे लास्ट क्यों? वीक। ऑब्वियसली देखो, अब तुम्हारा जीबीबी ऐसी अब तुम ही करो, जीपीएसजी क्लियर है, ड्रॉन लिक्विडिटी डाउनसाइड के लिए ही है है ना। ऑलरेडी। इसमें इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर नियर फ्लो करना तो है। क्लियर हो जाता है, हाँ बस हमें एंट्री करने के लिए फैक्टर करना पड़ता है, सारे पॉइंट्स चेकआउट करने पड़ते हैं, राइट, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए। तभी ये कैंडल जब नीचे डाउन साइड मूव हो रहा है तो नियरेस्ट टू नियरेस्ट वी कैन से कि हाँ ये प्रीवियस कैंडल का लो रेट करेगा, ओके। नहीं तो ये खुद का अपना प्रीवियस मंथ कैंडल का का लो लो। रेट करे, ये भी हो सकता है। वैसे परफेक्टली प्रीवियस मंथ का लो परफेक्ट एरिया ये है। ज्यादा बेटर है, ओके। ऑब्वियसली मंथली के हिसाब से अभी क्योंकि अभी तुम्हारे मंथ स्टार्ट हुआ है ना फेब का देखो पूरा, कितना अच्छा है। आप देखो वहां पे सिंगल था, अब यहाँ पे इक्वल हो गया। इक्वल हो गया, और मंथ अभी फेब का स्टार्ट ही हुआ है, तो मेरा यही रहेगा कि प्रीवियस मंथ का लो रेट लो टारगेट कर सकते हैं इन अपकमिंग तो डेज। मेरी सो यहाँ पे काफी अच्छा खासा क्लैरिटी है कि हमने यहाँ से अच्छा खासा एक डिस्प्लेसमेंट दिया है फॉर डाउन साइड। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कैसा है, कंसोलिडेशन टाइप का है, बहुत दिनों कंसोलिडेशन से इसमें बैक एंड फोर्थ ट्रेडिंग हो सकती थी। राइट, बट स्टिल हाई प्रोबेबिलिटी नहीं था ये, नहीं ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड नहीं था। इसमें हमारा मॉडल भी अब एप्लीकेबल नहीं है अभी तक। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर फ्रैक्टल करें तो ठीक है, अदरवाइज अभी भी इसमें इतना क्लियर नहीं है। अगर मैं फ्रैक्टल करके 4 आवर में आती हूँ तो इतना क्लियर नहीं है, एज कंपेयर अगर मैं मंथली में देखती हूँ तो। मंथली में मुझे क्लियर ये लेवल दिख रहा है कि प्रीवियस मंथ का आप लो टारगेट कर सकते हो, विच इज 1.2590, ओके ये वाला लेवल। बट अभी भी ये जो चॉपिनेस है ना, ये अभी भी ऐसा ही है कि यस एक्सपेंशन तो आया है, बट यस रिट्रेसमेंट भी मिलेगा, बट ये ये जो इसमें फेज देख रहे हो भी आप। वही सेम चीज है कि टारगेट हम लोग का यही होगा नीचे फॉर डाउन साइड। ये लेवल है 1.2593, और हम लोग का जो एंट्री होना चाहिए जस्ट अबव दिस कैंडल, अगर हो सके तो ज्यादा बेटर रहेगा, 1.2673, ओके। ये ज्यादा बेटर, थोड़ा प्राइस प्रीमियम में जाएगा तो देन अकॉर्डिंगली वी कैन शॉर्ट ओवर देयर फॉर टारगेटिंग दिस। अगर ये मार्केट ओपन साथ सीधा नीचे हो गया तो देन हमें अपना प्रोग्राम चेंज करने का होगा, मतलब देखना होगा प्राइस कैसे क्या हो रहा है। हाँ फिर हमें बायस अल्टीमेटली इतनी टारगेट जल्दी नहीं अभी चेंज यही करना नीचे है, के लिए, यस। बायस हमें सडनली नहीं चेंज करना है, हमें देखना पड़ेगा कि रिवर्सल है भी कि नहीं है इस पॉइंट राइट पे। राइट बट राइट, यस इन फ्यूचर के लिए आप प्रीवियस मंथ का लो टारगेट कर सकती हो। ओके। अब एंट्री पॉइंट आप जितना फैक्टर करके देखोगे तो परफेक्ट हो जाएगी आपकी एंट्री पॉइंट, और माइट बी स्टॉप लॉस भी आपका कम हो जाए। देख फॉर मंडे आई गेस ना, देख ये वाला जो अगर फेयर वैल्यू गैप है, अगर ये फेयर वैल्यू गैप मंडे ज्यादा होता है, मूवमेंट हाँ नहीं होगा देखते हैं कैसा क्या क्योंकि होता है। फ्राइडे बट ऑलरेडी अगर इतना फैक्टर एक्सपेंशन हाई हो टाइम चुका पे है। अगर फ्रैक्टल नहीं करते, देखो अगर प्राइस मंथ हम लोगों को चाहिए क्या, प्राइस थोड़ा प्रीमियम में जाए, ठीक है। अगर प्राइस प्रीमियम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कैंडल के अबव आए तो हम शॉर्ट कर रहे हैं, अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस करता है देन अल्टीमेटली ये ऊपर ही आएगा, ठीक है। अगर ये एज अ रेसेशंस की तरह काम करता रहा देन इट इज गोइंग टू पुश द प्राइस लोअर, तो फिर हम लोग को यहाँ से फ्रैकल करके एंट्री लेना होगा और टारगेट इसको करना। तो मेरा पॉइंट यही है कि मंडे का जो मूव होगा ना वो ज्यादा रेंज का नहीं होगा, लार्ज रेंज डोंट एक्सपेक्ट कि लार्ज रेंज होगा मंडे को। ट्यूसडे को यस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर मंडे के लिए मेरा रेंज बहुत ही नैरो हो जाएगा सही बात है, एक्चुअली मंडे तो जीपीएसजी क्लीन में भी। होगा, ठीक वो डिपेंड भी करता है कि इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या है। है। और एक क्लीन एंड क्लियर सेटअप जो है वो न्यूजीलैंड यूएसडी पे, ये देखो ये कल इसमें सेम कल एनएफपी था, ओके यस। टारगेट कंप्लीटेड ड्यूरिंग एनएफपी। मेरा पॉइंट ये है मतलब कि एनएफपी के टाइम पे ऑब्वियसली हम लोग को हमने देखा था कि प्राइस इस एरिया पे बार बार रिजेक्ट हो रहा था इस एरिया से, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि जब भी इवेंट होता है पता था कि ये वाला इस लेवल पे आएगा, राइट है ना। तो
मेरे यही चीज समझ में आया है कि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर भी पोजीशन ले सकते हैं, बट जस्ट ड्यू टू इवेंट हम लोग को क्या करना चाहिए, रिस्क डिक्रीज कर देना चाहिए। बट इवेंट के टाइम पे अवॉइड भी करना चाहिए, जैसे हमारा टर्म जितना भी हमने देखा है अब तक का मार्केट, इवेंट्स के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ट्रेड्स परफेक्ट रहते हैं, बट स्टिल हम इवेंट के टाइम पे अवॉइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ डाउन साइड के लिए और ये लो टारगेट हुआ। ऑब्वियसली इसमें अभी डीपर रन नहीं आया है, अभी बचा हुआ है, तो ये अभी और थोड़ा नीचे आएगा बिकॉज अभी तुम्हारा डॉलर इंडेक्स अभी अपसाइड मूव और देगा, तो न्यूजीलैंड इज लाइकली टू कम मच मोर लोअर। तो पॉसिबिलिटी है कि हम इस लेवल तक देखे, यानी तो इस कैंडल के लो तक। डिपेंड करता है डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स अगर टारगेट ड्रॉन लिक्विडिटी कंप्लीट कर लेता है, देन माइट बी हम फिर ये मेजर सपोर्ट नहीं पेयर है, भी हाँ ये सपोर्ट नहीं लॉन्ग हो है, जाए। ये सपोर्ट नहीं है। जो जो इसे सपोर्ट समझ करके बाय कर रहे हैं और सब कोई अपना जो स्टॉप लॉस नीचे लगा रहा है, सब का स्टॉप लॉस जाने वाला है। स्टॉप लॉस आप जितना भी सोच रहे हैं कि 10 पॉइंट्स का लगाएंगे, 20 पॉइंट्स का लगाएंगे या 50 पॉइंट्स का लगाएंगे, 50 पॉइंट्स भी वो रेड हो जाएगा। तो कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेना परफेक्ट रहता है। विदाउट कंफर्मेशन आप एंट्री ना लें। जैसे हम ऑर्डर फ्लो तो हम आपको बता रहे हैं, बट स्टिल हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं। देखो ये चीज रेड होना चाहिए, मतलब ये जो जितना रिटेलर्स लोग समझते हैं ना, सपोर्ट है सपोर्ट है, प्राइस को बाय करो एंड पुटिंग ए स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल्स, ये सब का स्टॉप लॉस जाने वाला है। ठीक है, और प्राइस एटलीस्ट इस लेवल तक तो आएगा ही आएगा, सिक्स सही, जो एरिया हमने जीरो हाँ सिक्स जीरो कैच टू किया है जीरो वो परफेक्ट जिस एरिया है, लेवल तक आना चाहिए, वहीं सिक्स तक जीरो आने टू वाला जीरो है। राइट। ठीक है, तो इसमें भी एक अच्छा खासा डीपर रेड आएगा टू टेक आउट ऑल द स्टॉप लॉसेस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, देन हाँ यहाँ पे वो रेड करने के बाद अगर हम लोग को फिर से एक एमएसबी मिलता है, देन हम लोगों को पता है कैसे क्या टारगेट करना है, देन वही हमारा मैं कह रही हूँ ना, कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि रेड हो गया है और देन हमने एंट्री ले लिया, ये चीज नहीं, टारगेट करने में वहां मजा पर भी आएगा, मैं ये कंफर्मेशन के श्योर लिए कर हमें रहा देखना पड़ता है। हूँ। आई थिंक देख ये चीज क्या होने वाला है ना, ये पूरा अभी रेड होगा और टाइम थोड़ा स्पेंड करेगा इसी एरिया में जस्ट लाइक दिस, देन अल्टीमेटली ये माइट बी कंसोलिडेशन मे स्टार्ट हो जाए दिस फेज। बी देखते हैं अभी, बट हाँ ये वाला लेवल नहीं बचने वाला। ठीक है, अब जितने भी ट्रेडर्स अब क्या करेंगे, ये वाला लेवल है तो नियर बाय ना शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। शॉर्ट करने पे क्या होगा, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? दिस पॉइंट स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाता है। आपको लगेगा कि यस से तो 10 पॉइंट्स ये अभी मैं शॉर्ट करता हूँ, 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे मुझे, 10 पिप्स मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। तो आपको परफेक्ट एंट्री के लिए देखना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए पूरा एक्सपेंशन है, तो इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन के लिए देख सकते हैं। आपको बेटर प्राइस मिल जाए तो बेटर है फॉर शॉर्ट। तो अभी रैप अप करते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, बस एक न्यूजीलैंड जेपीवाई में, तो न्यूजीलैंड जेपीवाई में एक हम लोग का जो ऑलरेडी सेटअप हम लोग दिया था काफी लॉन्ग टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 month के ऊपर प्राइस, ऑलमोस्ट इसको नीचे गिर करके यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए 87.50 लेवल तक, दिस इज आर टारगेट, यानी तो आप राउंड ऑफ कर लो नियरेस्ट टू नियरेस्ट 88, तो एक अच्छा खासा डिक्लाइन आने वाला है न्यूजीलैंड जेपीवाई में। ओके, तो अभी न्यूजीलैंड जेपीवाई में जिसने ट्रेड नहीं लिया वो ले सकते हैं, क्योंकि हमने तो पहले ही ले लिया यहाँ था पे अभी हम कंसोलिडेशन शॉर्ट कर फेज में। सकते हैं एग्जैक्टली करंट मार्केट प्राइस पे, अगर आपको मिलता है यू कैन गो शॉर्ट, और आपका स्टॉप लॉस एक स्विंग हाई पे होना चाहिए 91.52। ऑब्वियसली ये हायर टाइम फ्रेम का ट्रेड है और इसे होल्ड भी करना पड़ेगा, बट दिस इज ये वन ऑफ स्विंग द ट्रेडिंग है हाँ ये स्विंग ट्रेडिंग है। ऑलरेडी, इसके तो ट्रेड्स ओपन नहीं है हमारे, प्रॉफिट में ही है, बट लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं। राइट, मंडे से ऑब्वियसली जब हम लोग का ट्रेडिंग थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, देन वी आर गोइंग टू मेक मनी। आफ्टर 2 ये 2 मंथ्स यार, ठीक है चलो रैप अप करते हैं, दिसंबर और जैन बहुत वेट किया, दिसंबर और जैन में मार्केट ओपन होने का। मतलब मार्केट ओपन था बट फिर भी जो रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लार्ज मूव वॉलेटाइल मार्केट रहना नहीं था। तो यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं दिस सेशन को। ओके ठीक है, फिर होगा तो इंडियन मार्केट्स का भी अपडेट हम लोग डालेंगे रिगार्डिंग निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सम अदर स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स। अभी बजट का था इसलिए हम थोड़ा सा डाला नहीं है, बजट में ओवरऑल सारा स्टॉक्स अप ही है, तो अभी बजट पे भी देखना पड़ेगा सारा बजट का, इंडियन मार्केट का। ओके ठीक है चलो ओके, बाय। बाय बाय एवरीवन।